हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांतारामस किचन। आज मैं बनाऊंगी चाउमीन। मैं ये चाउमीन की रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाने वाली हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में मैं एकदम मस्त चाउमीन बनाऊंगी। तो ये इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने नूडल्स को बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। पानी बॉईल हो चुका है, मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल दूंगी। उसके बाद डालूंगी इसमें नूडल्स। नूडल्स के बाद मैं डालूंगी मैं इसमें ऑयल। ऐसे सबको मिला देंगे और नूडल्स को बॉईल होने देंगे। मैं नूडल को सिर्फ 80% तक कुक करूंगी। इन्हें हमें पूरा 100% कुक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 80% कुक हो जाएंगे उतने ही टाइम में ऐसे पकाऊंगी। उससे ज्यादा आपको पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नूडल्स को 100% तक कुक कर लेंगे तो ये ओवर कुक माने जाएंगे और जो आपकी चाउमीन है वो काफी चिपकी चिपकी बनेगी। तो इन्हें सिर्फ 80% तक कुक करना है। कि ये हमारे नूडल्स पक चुके हैं। मुझे इन्हें पकाने में 7 से 8 मिनट लगे होंगे और मैंने सिर्फ इन्हें 80% तक कुक किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये टूट रहा है। बस इतना हमें पकाना है, इसे ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें। मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे स्ट्रेन कर लूंगी। मुझे अपने नूडल्स को पकाने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। आप अपने हिसाब से इन्हें पकाएं, क्योंकि नूडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में पकेंगे। अगर आपके नूडल्स पतले या मोटे हैं तो आप उसी हिसाब से इन्हें पकाएं। तो देखिए, मैंने इन्हें स्ट्रेन कर लिया है। मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं यहाँ पे इमिडिएटली ठंडा पानी डाल दूंगी, जिससे कि जितना भी इनका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये बिल्कुल भी ओवर कुक ना हो। इसे थोड़ा सा फोक से इस तरह से कर दें, जिससे कि जो नीचे वाली हमारे नूडल्स हैं वो भी ओवर कुक ना हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, जिससे कि ये ओवर कुक नहीं हो बिल्कुल भी। नूडल्स हमारे तैयार है, अब हम इसकी चाउमीन बनाएंगे। तो देखिए, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी और तेल को गरम कर लेंगे। आप याद रखें कि चाउमीन जो एक चाइनीज खाना है, तो इसके लिए हम इसे पूरे प्रोसेस में हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं डाल दूंगी इसमें शिमला मिर्च। उसके बाद डालूंगी इसमें पत्ता गोभी। इनको थोड़ा सा भून लूंगी, आधा एक मिनट के बराबर। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गैस का फ्लेम एकदम हाई रखें और हाई फ्लेम पे ही ना भून लें। लगातार चलाते रहें, क्योंकि गैस का फ्लेम हमारा हाई है, सब्जी वरना जलने लगेगी। सब्जी हमारी भून चुकी है, मैंने ना एक मिनट से भी कम भूना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। इन्हें इसके साथ मिक्स करूंगी सारी चीज़ों के साथ। और इन्हें आधा मिनट तक भून लूंगी सारी सब्जियों को एक साथ। और मैं इसमें डाल दूंगी नूडल। उसके बाद डालूंगी इसमें नमक एक चम्मच के अलावा। आप याद रखें, हमने नूडल्स को उबालते टाइम भी नमक डाला था। एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच इतना विनीगर डालूंगी। विनीगर मैंने यहाँ पे बड़ी चम्मच लिया है और उतना ही डालूंगी सोया सॉस। फिर टमाटो केचप मैं यहाँ पे 2 चम्मच यूज करूंगी। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ लाएं आप फिक्स करते टाइम। देखिए इस तरह से। चाउमीन हमारी तैयार हो चुकी है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। तो हमारी एकदम मस्त बाजार जैसी चाउमीन तैयार है। मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, चाउमीन हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चाउमीन खाना किसे पसंद नहीं होता है। आप भी अपने घर पर ये चाउमीन की रेसिपी ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।